आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल क्रीम जो आपके चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म करके आपके चेहरे को क्लियर बनाएगा, क्लीन बनाएगा और बहुत ही ज़्यादा ग्लो देगा अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो। एवरीवन, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां पे मैं ब्यूटी व्लॉग लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं एवरी मंडे और थर्सडे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एंटी एजिंग ब्लेमिश रिमूवल स्पॉट रिमूवल क्रीम, या फिर आप इसे जेल भी बोल सकते हैं। और ये रेडी हो जाता है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से, और ये इंग्रेडिएंट बहुत इजीली अवेलेबल होता है हम सबके घर में, तो हम सब लोग इसे बना सकते हैं। ओके, तो एंटी एजिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपके चेहरे पर रिंकल्स को एकदम आने ही नहीं देगा, रिंकल को एकदम स्टॉप कर देगा। जब आप 80 साल के 90 साल के हो जाएंगे फिर भी आप एकदम यंग दिखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचर के अगेंस्ट इतना जाना पॉसिबल ही नहीं है, कॉस्मेटिक तरीके से भी पॉसिबल नहीं है, तो नेचुरल तरीके की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कपड़ा है, अगर आप उसको धूप में ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर ऐसे ही इधर उधर फेंका रहता है तो वो जल्दी फट जाता है, लेकिन अगर आप उसी कपड़े को अच्छे से सुखा के आयरन करके और अच्छे से अलमीरा के अंदर रखते हैं तो वो काफी लंबा चलता है। तो इसी तरह अगर आप अपनी स्किन का देखभाल करेंगे तो उसकी एजिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म हो जाएगी। तो इस क्रीम को बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूं टोमेटो का और क्यूकुम्बर का और एलोवेरा जेल का। तो टोमेटो के अंदर विटामिन सी होता है जो कि स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को और इलास्टिन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि स्किन सॉफ्ट और सपल होती है, साथ ही रिंकल्स थोड़ा सा लेट आता है। और साथ ही टोमेटो में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि स्किन पे अगर स्पॉट्स हैं या फिर स्किन का कलर जो है अनइवन है तो उसको इवन करता है और स्पॉट्स को भी फेड करता है। और सनबर्न की वजह से अगर आपकी स्किन का कलर जो है थोड़ा डार्क हो गया है तो उसको भी वो लाइट करता है। तो चलिए अब बनाते हैं ये क्रीम। तो ये क्रीम मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनाती हूँ, मैं हर बार नया बनाती हूँ, तो मैं 2 या 3 दिन में फिनिश कर देती हूँ क्रीम को। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा टोमेटो लिया है और ग्रेटर की हेल्प से मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी, और मैं थोड़ा सा क्यूकुम्बर लूँगी और उसको भी ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। तो क्यूकुम्बर में विटामिन सी होता है, कैफेइक एसिड होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये जब स्किन पे आप अप्लाई करते हैं तो ये स्कार्स को और रिंकल्स को फेड अप करता है, साथ ही इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है। और अब मैं अच्छे से जूस को सेपरेट कर लूँगी, और मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ यहाँ पे। तो मैं 2 टेबल स्पून लूँगी एलोवेरा जेल के और उसमें 1 टेबल स्पून जूस का मिलाऊंगी जो अभी मैंने क्यूकुम्बर और टोमेटो का बनाया, और फिर उसके बाद मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स करूंगी सबको ताकि अच्छे से जेल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। जेल और जूस को मिक्स करने के बाद स्पून की हेल्प से आप कंटिन्यू थोड़ी देर के लिए चलाते रहिए, तो थोड़ी देर के बाद ये पूरी तरह से जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको अप्लाई करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो जेल है, या फिर इसे क्रीम कह सकते हैं आप, तो ये रेडी हो गया है। और मैंने अपने चेहरे पे कुछ नहीं लगाया है, मेरा चेहरा क्लीन है, मैंने बस टोनर लगाया था। तो अब मैं इसे जा रही हूँ अपने चेहरे पे लगाने। तो मैं बस इतना ही लूंगी, शायद आपको दिख रहा होगा।
तो इस क्रीम को मैंने अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है और मैं इसे धुलूंगी नहीं, मैं छोड़ दूंगी इसको रात भर के लिए, फिर सुबह उठ के सिर्फ पानी से अपना चेहरा वॉश कर लूंगी। और जब भी आप ये क्रीम लगा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि धूप में आप इस क्रीम को लगाने के बाद ना जाएं, क्योंकि इसमें विटामिन सी होने की वजह से आपकी स्किन जो है वो फोटो सेंसिटिव हो गई है, तो अगर आप धूप में निकलेंगे तो हो सकता है कि आपको सनबर्न हो जाए, तो बस एक चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप इसे रात में अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रात में तो धूप होती नहीं है, तो आपको वो भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी हेयर केयर और स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज लेके आने वाली हूँ अपने चैनल पे। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।